और देवी शिवा ने दिव्य वर तथा नित्य कुमारत्व पाकर वे प्रमुदित हो उठे। इसके बाद प्रसन्नचित हो उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़कर उपमन्यु ने देवादि देव महेश्वर से यह वर मांगा। उपमन्यु बोले, देवेश्वर प्रसन्न होइए, परमेश्वर प्रसन्न होइए और मुझे अपनी परम दिव्य एवं अभ्याविचारणी भक्ति दीजिए। महादेव, मेरे जो आपने सगे संबंधी हैं उनमें मेरी सदा श्रद्धा बनी रहने का वर दीजिए, साथ ही अपना दासत्व, उत्कृष्ट स्नेह और नित्य सामीप्य प्रदान कीजिए। ऐसा कहकर प्रसन्नचित्त हुए द्विजश्रेष्ठ उपमन्यु ने हर्ष गदगद वाणी द्वारा महादेव जी का स्तवन किया। उपमन्यु बोले, देवादिदेव महादेव, शरणागत वत्सल, करुणा सिंधो, आप सदा मुझ पर प्रसन्न होइए। वायुदेव कहते हैं, उनके ऐसा कहने पर सबको वर देने वाले परमात्मा महादेव ने मुनीश्वर को इस प्रकार उत्तर दिया। भगवान शिव बोले, वत्स, मैं तुम पर संतुष्ट हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया। ब्रह्म ऋषि, तुम मेरे सुदृढ़ भक्त हो, क्योंकि इस विषय में मैंने तुम्हारी परीक्षा ले ली है। तुम अजर अमर दुख रहित यशस्वी तेजस्वी और दिव्य ज्ञान से संपन्न हो। द्विश्रेष्ठ, तुम्हारे बंधु बांधु कुल तथा गोत्र सदा अक्षय रहेंगे, मेरे प्रति तुम्हारी सदा भक्ति बनी रहेगी। विप्रवर, मैं तुम्हारे आश्रम में नित्य निवास करूंगा, तुम मेरे सदा सानंद विचार करोगे। ऐसा कहकर उपमन्यु को अभिष्ट वर दे करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी भगवान महेश्वर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उन श्रेष्ठ महेश्वर परम परमेश्वर ने उत्तम वर पाकर उपमन्यु का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा। उन्हें बहुत सुख मिला और वे अपनी जन्मदायिनी माता के स्थान पर चले गए। वायवीय संहिता का पूर्ण खंड संपूर्ण। अध्याय 35, वायवीय संहिता उत्तर खंड। ऋषियों के पूछने पर वायुदेव का श्री कृष्ण और उपमन्यु के मिलन का प्रसंग सुनाना। श्री कृष्ण को उपमन्यु से ज्ञान का और भगवान शंकर से पुत्र का लाभ। महर्षि सूत जी कहते हैं, जो समस्त संसार चक्र के परिभ्रमण में कारण रूप है तथा गौरी के युगल उतरे जो में लगे हुए केसर से जिनका वक्ष स्थल अंकित है, उन भगवान उमा वल्लभ शिव को नमस्कार है। उपमन्यु को भगवान शंकर के कृपा प्रसाद के प्राप्त होने का प्रसंग सुनाकर मध्यकाल में नित्य नियम के उद्देश्य से वायुदेव तथा बंद करके उठ गए। जब नैमिषारण्य निवासी अन्य ऋषि भी अब अमुक बात पूछनी है ऐसा निश्चय करके उठे और प्रतिदिन की भांति अपना तत्कालिक नित्य कर्म पूजा करके भगवान वायुदेव को आया देख फिर आकर उनके पास बैठ गए। नियम समाप्त होने पर जब आकाश जन्मा वायुदेव मुनियों की सभा में अपने लिए निश्चित उत्तम आसन पर विराजमान हो गए तब सुखपूर्वक बैठ गए। तब वे लोकवंदित पवन देव परमेश्वर श्री संपन्न विभूति का मन ही मन चिंतन करके इस प्रकार बोले, मैं उन सर्वज्ञ और अपराजित महान देव भगवान शंकर की शरण लेता हूँ जिनकी विभूति इस समस्त चराचर जगत के रूप में फैली हुई है। उनकी शुभ वाणी को सुनकर वे निष्पाप ऋषि भगवान की विभूति का विस्तार पूर्ण वर्णन सुनने के लिए यह उत्तम वचन बोले। ऋषियों ने कहा, भगवान, आपने महात्मा उपमन्यु का चरित्र सुनाया जिससे यह ज्ञात हुआ कि उन्होंने केवल दूध के लिए तपस्या करके भी परमेश्वर शिव से सब कुछ पा लिया। पहले हमने यह सुन रखा है कि अनायास ही महान कर्म करने वाले वासुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण किसी समय धौम के बड़े भाई अभिमन्यु से मिले थे और उनकी प्रेरणा से पशुपत व्रत का अनुष्ठान करके उन्होंने परम उत्तम ज्ञान का वर प्राप्त किया। अतः है आप यह हमें बताएं, भगवान श्री कृष्ण ने परम उत्तम पशुपात ज्ञान किस प्रकार प्राप्त किया। वायुदेव बोले, अपनी इच्छा से अवतीर्ण होने पर भी सनातन वायुदेव ने मानव शरीर की निंदासी करते हुए लोक संग्रह के लिए शरीर की शुद्धि की थी। वे पुत्र प्राप्ति के निमित्त तप करने के लिए उन महान मुनि के आश्रम पर गए थे जहाँ बहुत से मुनि उपमन्यु जी का दर्शन करते थे। भगवान श्री कृष्ण ने भी वहाँ जाकर उनका दर्शन किया।
उनके सारे अंग भस्म से उज्जवल दिखाई देते थे। मस्तक त्रिपुंड से अलंकृत था। रुद्राक्ष की माला ही उनका आभूषण थी। वे जटामंडल से मंडित थे। शास्त्रों से वेद की भांति वे अपने शिष्यभूत महर्षियों से घिरे हुए थे और भगवान शंकर के ध्यान में तत्पर हो शांत भाव से बैठे थे। उन महातेजस्वी उपमन्यु का दर्शन करके श्री कृष्ण ने उन्हें नमस्कार किया। उस समय उनके संपूर्ण शरीर में रोमांच आया। श्री कृष्ण ने बड़े आदर के साथ मुनि की 3 बार परिक्रमा की, फिर अत्यंत प्रसन्नता के साथ मस्तक झुकाकर हाथ जोड़ उनका स्वागत किया। तदन अंतर उपमन्यु ने विधि पूर्वक अग्नि रीति भस्म इत्यादि मंत्रों से श्री कृष्ण के शरीर में भस्म लगाकर उन्हें 12 महीनों का साक्षात पशुपात व्रत करवाया। तत्पश्चात मुनि ने उन्हें उत्तम ज्ञान प्रदान किया। उसी समय से उत्तम व्रत का पालन करने वाले संपूर्ण दिव्य पशुपत मुनि उन श्री कृष्ण को चारों ओर से घेर के उनके पास बैठे रहने लगे। फिर गुरु की आज्ञा से परम शक्तिमान श्री कृष्ण ने पुत्र के लिए साम सदा शिव की आराधना का उद्देश्य मन में लेकर तपस्या की। उस तपस्या से संतुष्ट हो 1 वर्ष के पश्चात पार्षदों सहित परम ऐश्वर्यशाली परमेश्वर साम भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिया। श्री कृष्ण ने वर देने के लिए प्रकट हुए सुंदर अंग वाले महादेव जी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनकी स्तुति भी की। गणों सहित साम सदा शिव का स्तवन करके श्री कृष्ण ने अपने लिए एक पुत्र प्राप्त किया। वह पुत्र तपस्या से संतुष्ट चित्त हुए भगवान शिव ने श्री विष्णु को दिया था। चूंकि साम सदा शिव ने उन्हें अपना पुत्र प्रदान किया, इसलिए श्री कृष्ण ने जामवती कुमार का नाम सांब ही रखा था। इस प्रकार अमित पराक्रमी श्री कृष्ण को महर्षि उपमन्यु से ज्ञान लाभ और भगवान शंकर से पुत्र का लाभ हुआ। इस प्रकार यह प्रसंग मैंने पूरा पूरा कह सुनाया। जो प्रतिदिन इसे कहता सुनता या सुनाता है वह भगवान विष्णु का ज्ञान पाकर उन्हीं के साथ आनंदित होता है। ओम नमः शिवाय। अध्याय 1। उपमन्यु द्वारा श्री कृष्ण को पशुपत ज्ञान का उपदेश देना। ऋषियों ने पूछा, पशुपत ज्ञान क्या है? भगवान शिव पशुपति कैसे कहे गए हैं? और अनायास ही महान कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने उपमन्यु से किस प्रकार प्रश्न किया था? वायुदेव, आप साक्षात शंकर के स्वरूप हैं, इसलिए ये सब बातें बताइए। 3 लोकों में आपके समान दूसरा कोई वक्ता इन बातों को बताने में समर्थ नहीं है। महर्षि सुत जी कहते हैं, उन महर्षियों की यह बात सुनकर वायुदेव ने भगवान शंकर का स्मरण करके उनसे इस प्रकार उत्तर देना प्रारंभ किया। वायुदेव बोले, महर्षियों, पूर्व काल में श्री कृष्ण रूपधारी भगवान विष्णु ने अपने आसन पर बैठे हुए महर्षि उपमन्यु से उन्हें प्रणाम करके न्याय पूर्वक यों प्रश्न किया था। श्री कृष्ण ने कहा, भगवन, महादेव जी ने देवी पार्वती को जिस दिव्य पशुपत ज्ञान तथा अपनी संपूर्ण विभूति का उपदेश दिया था, मैं उसी को सुनना चाहता हूँ। महादेव जी पशुपति कैसे हुए? पशु कौन कहलाते हैं? वे पशु किन पाशों से बंधे जाते हैं और फिर किस प्रकार उनसे मुक्त होते हैं? महात्मा श्री कृष्ण के इस प्रकार पूछने पर श्रीमान उपमन्यु ने महादेव जी तथा देवी माँ पार्वती को प्रणाम करके उनके प्रश्न के अनुसार उत्तर देना आरंभ किया। उपमन्यु बोले, देवकी नंदन, महर्षि ब्रह्मा जी से लेकर स्थावर पर्यंत जो भी संसार के वशवर्ती चराचर प्राणी हैं, वे सब के सब भगवान शिव के पशु कहलाते हैं और उनके पति होने के कारण देवेश्वर शिव को पशुपति कहा गया है। वे पशुपति अपने पशुओं को मल और माया आदि पाशों से बांधते हैं और भक्तिपूर्वक उनके द्वारा आराधित होने पर वे स्वयं ही उनके पाशों से मुक्त करते हैं। जो 24 तत्व हैं वे माया के कार्य एवं गुण हैं, वे ही विषय कहलाते हैं। जीवों पशुओं को बांधने वाले पाश वे ही हैं। इन पाशों द्वारा भगवान ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत समस्त पशुओं को बांधकर महेश्वर पशुपति देव उनसे अपना कार्य कराते हैं। उन महेश्वर की ही आज्ञा से
प्रकृति पुरुषोचित बुद्धि को जन्म।